हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सीटीआरएम की काइनेमेटिक्स के आज के इस लेक्चर में हमें दो और बहुत अच्छे जेई एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मान लो ये एक रोड है, ठीक है, या ग्राउंड बोल सकते हो, ठीक है, और ये एक ट्रक है, ये है T1 ट्रक, T1 ट्रक, ठीक है। इस ट्रक के यहां पे एक पुली लगी हुई है, ठीक है, और एक पुली ये है, ये पुली T2 ट्रक के ऊपर लगी हुई है, ठीक है, ये मेरा T2 ट्रक है, T2 ट्रक, ये पुली T1 ट्रक के ऊपर लगी हुई है, ये पुली T2 ट्रक के ऊपर लगी हुई है, ठीक है, और ये क्या है, रस्सी है, स्ट्रिंग होती है ना, वो है ये, और ये मान लो मेरे पास एक डिस्क है, डिस्क जिसकी रेडियस आर गिवन है, ठीक है, और ये रस्सी इस डिस्क पे रैप्ड है, ये रस्सी डिस्क पे ऐसे लपेटी हुई है, ठीक है, डिस्क की रेडियस आर गिवन है, और मान लो ये ट्रक इस डायरेक्शन में A1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है, ये T2 ट्रक इस डायरेक्शन में A2 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है, ठीक है, और ऐसा गिवन है देयर इज इनफ फ्रिक्शन बिटवीन डिस्क एंड T2 ट्रक सो दैट दिस डिस्क विल परफॉर्म प्योर रोलिंग ऑन T2 ट्रक। इनफ फ्रिक्शन बिटवीन डिस्क एंड T2 ट्रक सो दैट डिस्क विल परफॉर्म प्योर रोलिंग ऑन T2 ट्रक, ठीक है, ऐसा गिवन है, ये डिस्क इस T2 ट्रक पे प्योर रोलिंग करेगी, इसके लिए डिस्क और T2 ट्रक के बीच में इनफ फ्रिक्शन मौजूद है, ठीक है। तो इसमें फाइंड आउट क्या करना है, इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क और डिस्क का एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क फाइंड आउट करो, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो, ये T1 ट्रक इस डायरेक्शन में A1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है, तो रस्सी का जो ये पार्ट है, रस्सी के इस पोर्शन पे जितने पॉइंट्स होंगे, इन पॉइंट्स का एक्सेलरेशन क्या होगा, A1 होगा, क्योंकि ये रस्सी यहाँ पे T1 ट्रक से कनेक्टेड है ना, ठीक है, और देखो ये T2 ट्रक इस डायरेक्शन में A2 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है, तो ये जो रस्सी होगी, ये छोटी सी रस्सी, इसके ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे वो इस डायरेक्शन में A2 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड होंगे, बिल्कुल सही बात है। अब मैं स्टैंडर्ड कंस्ट्रेंड मेथड अप्लाई करने जा रहा हूँ इस पुली के लिए, ठीक है, इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मानूंगा, इस डायरेक्शन को नेगेटिव, तो ये जो पुली का एक्सेलरेशन होगा ऐसे A2, तो प्लस A2 हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा, माइनस A1 प्लस, रस्सी का जो ये पोर्शन है ना
इन पॉइंट्स का एक्सेलरेशन वो मान लो x डिवाइडेड बाय 2, यही तो होता है स्टैंडर्ड मेथड कंस्ट्रेंट का। रस्सी के ऊपर जो ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स का एक्सेलरेशन x, अपने आप निकल के आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये देखो कितना आया, 2a2 प्लस a1 आ गया, ठीक है। तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब रस्सी के इस पोर्शन पे जो पॉइंट्स होंगे ना, उन पॉइंट्स का एक्सेलरेशन ऐसे कितना होगा, 2a2 प्लस a1, ठीक है। और अब क्या अप्लाई कर दो, ये जो ऊपर वाली पुली है ना, इसके लिए कंस्ट्रेंट का स्टैंडर्ड मेथड यही अप्लाई कर दो जो अभी अप्लाई किया था, लेकिन ऊपर वाली पुली के लिए। तो देखो ये T1 ट्रक इस डायरेक्शन में A1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है, तो इस रस्सी के ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे वो इस डायरेक्शन में A1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड होंगे, सीधी सी बात है। और मान लो इस रस्सी के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स का एक्सेलरेशन होगा मान लो y, ठीक है। तो अब मैं क्या अप्लाई करने जा रहा हूं, कंस्ट्रेंट का स्टैंडर्ड मेथड फॉर दिस पुली, ठीक है। तो इस पुली का एक्सेलरेशन ऐसे a1 मतलब -a1, ये किसके बराबर होगा, रस्सी के ऊपर इन पॉइंट्स का एक्सेलरेशन ऐसे 2a2 प्लस a1 मतलब पॉजिटिव, प्लस रस्सी के इस पोर्शन पे जो पॉइंट्स होंगे उनका एक्सेलरेशन मैंने y मान रखा है डिवाइडेड बाय 2। तो देखो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी, -2a1 -a1 -2a2, ये कितनी आ गई, -3a1 -2a2 इतनी आ गई। तो माइनस को कॉमन ले लो, 3a1 +2a2, देख सकते हो ये नेगेटिव आया है, और नेगेटिव डायरेक्शन मैंने ऐसे मानी थी। तो इसका मतलब है रस्सी के इस पोर्शन पे जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स का एक्सेलरेशन ऐसे होगा, और कितना होगा, 3a1 +2a2, ठीक है, सही है। तो अब देखो ये गिवन है, ये डिस्क प्योर रोलिंग करेगी इस T2 ट्रक पे, और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं लेट इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऐसे होगा, और कितना, acm, ठीक है। और इस डिस्क का एंगुलर एक्सेलरेशन मैंने क्या मान लिया, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अल्फा, ठीक है। तो अब देखो ये जो बॉटम पॉइंट है ना इस डिस्क का, भी डिस्क के इस बी बॉटम पॉइंट का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वो ऐसे आएगा, और कितना, आर अल्फा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बराबर। तो यूजिंग रिलेटिव मोशन इस बी पॉइंट का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो क्या हो जाएगा, मुझे ऐसे ACM अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और अब देखो एक बी डैश पॉइंट है T2 ट्रक के ऊपर, ठीक है, और बी और बी डैश पॉइंट कॉन्टैक्ट में है। तो ये जो बी डैश पॉइंट है T2 ट्रक के ऊपर, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन T2 ट्रक के एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा A2। और देखो ये जो मेरी डिस्क है प्योर रोलिंग कर रही है इस T2 ट्रक के ऊपर, तो इसका मतलब देयर विल बी नो स्लिपिंग बिटवीन डिस्क एंड T2 ट्रक, और देयर शुड बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन बी एंड बी डैश पॉइंट। तो इसका मतलब जो बी डैश पॉइंट का एक्सेलरेशन आया है A2 वो किसके बराबर होगा, बी पॉइंट के एक्सेलरेशन के बराबर, आर अल्फा माइनस ACM के बराबर, ठीक है। ये होगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो इस डिस्क का टॉप मोस्ट पॉइंट है T, ठीक है, डिस्क का टॉप मोस्ट पॉइंट है T। इस T पॉइंट का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऐसे आएगा, R अल्फा, सही बात है।
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और यूजिंग रिलेटिव मोशन इस टी पॉइंट का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो क्या हो जाएगा, एक ऐसे एसीएम और अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और देखो रस्सी का जो ये पोर्शन है, रस्सी के इस पोर्शन पे जितने पॉइंट्स हैं वो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड हैं 3a1 + 2a2 एक्सेलरेशन से। तो रस्सी के ऊपर एक पॉइंट टी डैश होगा जो कि टी के कॉन्टैक्ट में होगा, ठीक है। तो रस्सी के इस टी डैश पॉइंट का एक्सेलरेशन ऐसे कितना होगा, 3a1 + 2a2। और देखो ये रस्सी इस डिस्क पे से नहीं फिसलेगी, तो इसका मतलब टी और टी डैश पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब एसीएम प्लस आर अल्फा ये किसके बराबर होना चाहिए, 3a1 + 2a2 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये होगी सेकंड इक्वेशन। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन को मैं दूसरे तरीके से लिख रहा हूं, लेफ्ट साइड में आर अल्फा माइनस एसीएम और राइट साइड में ए टू को ले जा रहा हूं, ठीक है, कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो अब देखो मैं एसीएम की वैल्यू निकालना चाहता हूं सबसे पहले, तो क्या करूंगा, इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन ऐड सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आर अल्फा माइनस आर अल्फा जीरो हो जाएगा, एसीएम प्लस एसीएम 2acm हो जाएगा, और ये किसके बराबर आएगा, 3a1 + 2a2 - a2, ठीक है। तो 2a2 - a2 a2, तो यहां से देखो acm किसके बराबर आ गया, 3a1 + a2 / 2, 3a1 + a2 / 2 ये आ गया, ठीक है। acm की वैल्यू आ गई और पॉजिटिव आई है, देख सकते हो। अब अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, फर्स्ट इक्वेशन में acm की ये वैल्यू पुट कर दो तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, तो r अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, a2 + acm, ठीक है, a2 + acm, 3a1 + a2 / 2। तो r अल्फा कितना आ गया, 2a2 + a2, 3a2 + 3a1 / 2। तो तीन को कॉमन ले लो, तो 3 a1 + a2 / 2, ठीक है। तो अल्फा कितना आ जाएगा, 3/2r (a1 + a2), और देख सकते हो अल्फा भी ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो मतलब जो मैंने माना था कि इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, तो वो बिल्कुल सही निकला, ठीक है, क्योंकि एसीएम की वैल्यू पॉजिटिव आई। और जो मैंने माना था ये डिस्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगी अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से, वो भी सही निकला क्योंकि अल्फा की वैल्यू भी पॉजिटिव आई, ठीक है। तो अगर हम बाहर से देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, तो हमें क्या नजर आएगा, ये डिस्क इस डायरेक्शन में चलेगी, ठीक है, अगर बाहर से देखेंगे, और इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में इतने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा, ठीक है, और ये डिस्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट भी करेगी अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से। तो मतलब अगर मैं बाहर से देखूंगा तो ये डिस्क कुछ ऐसे चलेगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में चलेगी और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमती हुई। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, ये तो था फर्स्ट न्यूमेरिकल, अब आओ सेकंड न्यूमेरिकल पे।
सेकंड न्यूमेरिकल, इसी में मॉडिफाई कर देंगे, एक्स्ट्रा लिखना नहीं पड़ेगा। तो देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, अगेन दो ट्रक हैं, ठीक है, T1 ट्रक T2 ट्रक। T1 ट्रक से ये पुली लगी हुई है, T2 ट्रक से ये पुली लगी हुई है, ठीक है ठीक है। और ये मेरा T2 ट्रक, और इस रस्सी का यूज किया गया है, और ये रस्सी यहां पे किससे कनेक्टेड है, डिस्क के सेंटर ऑफ मास से कनेक्टेड है ये रस्सी यहां पे, ठीक है। डिस्क की रेडियस आर गिवन है, और ये रस्सी यहां पे डिस्क के सेंटर ऑफ मास से कनेक्टेड है। ये मेरा सेकंड न्यूमेरिकल है, और ऐसा गिवन है डिस्क और T2 ट्रक के बीच में इनफ फ्रिक्शन मौजूद है कि ये डिस्क इस T2 ट्रक पे प्योर रोलिंग करेगी, ठीक है। तो ऐसे में फाइंड आउट क्या करना होगा, इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन और इस डिस्क का एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो T1 ट्रक इस डायरेक्शन में A1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है, और T1 ट्रक से ये रस्सी बंधी हुई है, सही बात है। तो इस रस्सी के इस पोर्शन पे जितने पॉइंट्स होंगे उन सभी पॉइंट्स का एक्सेलरेशन ऐसे A1 होगा, सही है। और T2 ट्रक इस डायरेक्शन में A2 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है, और T2 ट्रक से ये छोटी सी रस्सी बंधी हुई है। तो इन सभी पॉइंट्स का, मतलब रस्सी के ऊपर इन पॉइंट्स का एक्सेलरेशन ऐसे A2 होगा, तो इस पुली का भी एक्सेलरेशन ऐसे A2 होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, कंस्ट्रेंड के स्टैंडर्ड मेथड की हेल्प से रस्सी के इस पोर्शन के पॉइंट्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करूंगा, रस्सी के इस पोर्शन के पॉइंट्स का एक्सेलरेशन किसकी हेल्प से, कंस्ट्रेंट के स्टैंडर्ड मेथड की हेल्प से। और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। वो स्टैंडर्ड मेथड क्या कहता है, कंस्ट्रेंट का पुली का एक्सेलरेशन प्लस A2 इज इक्वल टू रस्सी के इस पोर्शन के पॉइंट्स का एक्सेलरेशन माइनस A1 प्लस, मान लो रस्सी के इस पोर्शन के पॉइंट्स का एक्सेलरेशन होगा x, तो प्लस x डिवाइडेड बाय 2। तो x देखो यहां से क्या आ गया, 2A2 प्लस A1 पॉजिटिव आया, और पॉजिटिव डायरेक्शन मैंने ये मान रखी है, तो इसका मतलब रस्सी के इस पोर्शन के पॉइंट्स का एक्सेलरेशन ऐसे कितना होगा, 2A2 प्लस A1, ठीक है। और अब देखो मैं कंस्ट्रेंट का वही स्टैंडर्ड मेथड अप्लाई करूंगा ऊपर वाली पुली के लिए। देखो ये T1 ट्रक इस डायरेक्शन में A1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है, और ये छोटी सी रस्सी T1 ट्रक से ही बंधी हुई है, तो रस्सी के ऊपर पॉइंट्स का एक्सेलरेशन A1 होगा ऐसे, तो इस पुली का एक्सेलरेशन ऐसे A1 आ गया। मान लो रस्सी के इस पोर्शन के पॉइंट्स का एक्सेलरेशन होगा वाई, ठीक है। अब इस पुली के लिए कंस्टेंट का स्टैंडर्ड मेथड यूज करो, तो पुली का एक्सेलरेशन ऐसे A1 मतलब माइनस A1 इज इक्वल टू रस्सी के इस पोर्शन के पॉइंट्स का एक्सेलरेशन ऐसे 2A2 प्लस A1, ठीक है, प्लस रस्सी के इस पोर्शन के पॉइंट्स का एक्सेलरेशन y डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से y देखो कितना आएगा, माइनस 2A1 माइनस A1 माइनस 2A2, ये आएगा। तो ये कितना आ गया, माइनस 3A1 माइनस 2A2
माइनस को कॉमन ले लो, ठीक है, तो माइनस थ्री ए वन प्लस टू ए टू नेगेटिव आया। नेगेटिव मतलब ये डायरेक्शन, मतलब रस्सी के इस पोर्शन के पॉइंट्स का एक्सेलरेशन ऐसे होगा, और कितना होगा, थ्री ए वन प्लस टू ए टू, ठीक है। और ये भी देखो, अब ये रस्सी कहां पे कनेक्टेड है, इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास पे, तो रस्सी के इन पॉइंट्स का एक्सेलरेशन ऐसे आया ना, थ्री ए वन प्लस टू ए टू, तो इसका मतलब ऑब्वियसली डिस्क के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऐसे आएगा, थ्री ए वन प्लस टू ए टू, डिस्क के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन वो ऐसे आएगा, और कितना, थ्री ए वन प्लस टू ए टू, ठीक है, क्योंकि ये रस्सी सेंटर ऑफ मास से ही तो कनेक्टेड है, डिस्क के सेंटर ऑफ मास से कनेक्टेड है, रस्सी के इस पोर्शन पे जो पॉइंट्स हैं उनका जो एक्सेलरेशन होगा और जो कितना होगा वो किसके बराबर होगा, डिस्क के सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन के बराबर, इसीलिए डिस्क के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऐसे कितना आएगा, थ्री ए वन प्लस टू ए टू, ठीक है। और मैं ये मान के चल रहा हूं लेट ये जो डिस्क है ना अबाउट सेंटर ऑफ मास एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगी अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से, ठीक है। अब अल्फा फाइंड आउट करना बाकी है, तो वो देखो कैसे फाइंड आउट करूंगा। डिस्क का एक बॉटम पॉइंट है बी, ठीक है, डिस्क के इस बॉटम पॉइंट बी का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वो ऐसे आएगा, और कितना, आर अल्फा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बराबर, सही बात है। तो यूजिंग रिलेटिव मोशन डिस्क के इस बी बॉटम पॉइंट का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो क्या आ जाएगा, ऐसे ए सी एम, मतलब डिस्क के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऐसे अप्लाई करना होगा, और कितना है डिस्क के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऐसे, थ्री ए वन प्लस टू ए टू, सही बात है। अब देखो इस टी टू ट्रक के ऊपर एक बी डैश पॉइंट है, और बी और बी डैश पॉइंट कॉन्टैक्ट में है, ये बी डैश पॉइंट है टी टू ट्रक के ऊपर, ठीक है, तो टी टू ट्रक के बी डैश पॉइंट का एक्सेलरेशन ऐसे कितना होगा, ए टू, टी टू ट्रक के एक्सेलरेशन के बराबर होगा। और ऐसा गिवन है कि ये डिस्क प्योर रोलिंग करेगी इस टी टू ट्रक पे, मतलब देर विल बी नो स्लीपिंग बिटवीन डिस्क एंड टी टू ट्रक, तो इसका मतलब देर शुड बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन बी एंड बी डैश, तो इसका मतलब बी डैश पॉइंट का जो एक्सेलरेशन आया है ए टू, ये किसके बराबर होना चाहिए, बी पॉइंट के एक्सेलरेशन के बराबर, आर अल्फा माइनस थ्री ए वन प्लस टू ए टू, ठीक है। तो देखो यहां से आर अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस टू ए टू यहां पे प्लस हो जाएगा इस तरफ आके, तो ए टू प्लस टू ए टू थ्री ए टू, और माइनस थ्री ए वन प्लस हो जाएगा प्लस थ्री ए वन, इतना आएगा आर अल्फा की वैल्यू, सही बात है। यहां पे तीन को कॉमन ले लो, तो तीन इंटू में ए वन प्लस ए टू, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, थ्री इंटू में ए वन प्लस ए टू डिवाइडेड बाय आर, ये आ गई, और पॉजिटिव आया, देख सकते हो पॉजिटिव आया ना अल्फा की वैल्यू, तो इसका मतलब जो मैंने मानना था कि डिस्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगी अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से, वो बिल्कुल सही निकला, ठीक है। तो ऐसा होगा, डिस्क इस डायरेक्शन में चलेगी और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमती हुई, अगर हम बाहर से देखें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, मतलब डिस्क के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन वो कितना आएगा, थ्री ए वन प्लस टू ए टू, ठीक है।
अब तक हम बाहर से ही देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो ग्राउंड ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ये डिस्क इस डायरेक्शन में चलेगी, मतलब डिस्क का सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में एक्सलरेट होगा 3a1 प्लस 2a2 एक्सलरेशन से, ठीक है। और डिस्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट भी करेगी अल्फा एंगुलर एक्सलरेशन से। तो मतलब ग्राउंड ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि डिस्क तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम भी रही है और इस डायरेक्शन में चल भी रही है। तो ग्राउंड ऑब्जर्वर को इस डिस्क का CTRM कंबाइंड ट्रांजिशनल रोटेशनल मोशन नजर आएगा। ट्रांजिशनल मोशन कैसे, सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में चलेगा 3a1 प्लस 2a2 एक्सलरेशन से, मतलब सेंटर ऑफ मास ट्रांजिशनल मोशन परफॉर्म करेगा। और अबाउट सेंटर ऑफ मास ये डिस्क रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अल्फा एंगुलर एक्सलरेशन से, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।